हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वोकैबुलरी करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ऑलराइट। पहला है हमारा बॉयस्ट्रस, ठीक है। बॉयस्ट्रस का मतलब है उद्धम मचना, मतलब सब कुछ है इधर उधर तहस नहस होना। पहला है हमारा सिनोनिम अनरूली, कुछ भी जो है ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी जो है तमीज से नहीं है, तहजीब से नहीं रखी है। अगला है राउडी। राउडी का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और ऐसा कोई इंसान है जो हर्ट कर ले बहुत जल्दी से। अगला है डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का मतलब है उल्टा पुल्टा जो चीजें होती है उसको बोलते हैं। अगला है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट होता है जब डिस्टर्बेंस होती है कोई भी तरह की। और हमारा नेक्स्ट है ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस का मतलब है जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, आप रोलर कोस्टर्स देखते हो, उसमें ऐसे उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमल्टस। ऑलराइट, एंटोनिम्स हैं आपके काम, बिल्कुल शांत और ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल भी जो है एक ट्रैंक्विल एक दूसरा वर्ड है शांति के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है एनविजिल। एनविजिल का मतलब है लुभाना, ठीक है, बहलाना, फुसलाना। पहला सिनोनिम है हमारा एंटाइस। एंटाइस का मतलब है लुभाना। अगला है कजोल। कजोल का मतलब है अगेन आप बहला फुसला रहे हो। थर्ड है ल्योर। ल्योर का मतलब है बहला फुसला के कोई काम करवाना, बड़े प्यार से मीठे मीठा बात करके कोई काम करवाना। नेक्स्ट है कोक्स। कोक्स का मतलब है आप किसी को कुछ प्यार से समझा रहे हो, मना रहे हो कुछ करने के लिए। ऑलराइट, एंटोनिम्स है डिसुएड। डिसुएड का मतलब है साफ साफ मना कर देना। डिटर करने का मतलब है रोक देना। और हमारे डिस्करेज करने का मतलब है हिम्मत तोड़ देना। ऑलराइट, ओके। परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है बेवफा। ऑलराइट, कोई बेवफा व्यक्ति को जो है हम परफिडियस बोलते हैं। पहला सिनोनिम है ट्रेटरस। ट्रेटरस का मतलब है नमक हराम या फिर कोई ऐसा जो बिल्कुल भी ओब्लाइज ना करे किसी भी चीज के लिए। अगला है फॉल्स। फॉल्स का मतलब आपको पता है अनफेथफुल, जो बिल्कुल भी फेथफुल ना हो, जो बिल्कुल लॉयल ना हो। डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट ना हो, ईमानदार ना हो, बेमान हो। एंटोनिम्स है लॉयल। लॉयल होता है वफादार। और डिपेंडेबल, डिपेंडेबल वो लोग होते हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। अगला है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली। कोई भी पहेली को जो है हम मिस्ट्री जिसको बोलते हैं उसी को जो है हम कनंड्रम बोलते हैं। ऑलराइट, पहला है एनिग्मा। सिनोनिम एनिग्मा का भी मतलब है पहेली। और दूसरा है रिडल, ये भी काफी कॉमन सुना होगा आपने। ऑलराइट, एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब है सब कुछ जो है साफ साफ समझाया जा रहा है, कोई भी चीज पहेली नहीं छोड़ी जा रही है। अगला है इंटरप्रिटेशन, जो आप खुद समझ रहे हो, आप अच्छे से बैठ के कोई चीज को समझ रहे हो। ऑलराइट, अगला है डिसेम्बल। डिसेम्बल का मतलब होता है छिपाना। ऑलराइट, कोई चीज को आप छिपा रहे हो। पहला सिनोनिम है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है कि कोई बहाना देना या कुछ भी जो सच ना हो उसको बनाना। अगला है शैम। शैम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दिखावा। और थर्ड है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब है कोई और भेस लेना या कोई और किसी और की तरह से रहना। ऑलराइट, एंटोनिम्स है हमारे डिस्क्लोज। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है खुलासा कर देना। और पब्लिश क्या करते हैं, पब्लिश हम क्या करते हैं, जैसे बुक्स पब्लिश करते हैं, बुक्स जब पब्लिश करते हैं तो सब में बांटते हैं। राइट, तो प्रकाशित करने को जो है पब्लिश करना बोलते हैं। ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपने अपनी कॉपीज में लिख लिया हो। बहुत ही छोटे छोटे उसमें मैं लेकर आ रही हूँ, सेगमेंट्स में लेकर आ रही हूँ, ताकि बिल्कुल टाइम ना लगे और अच्छे खासे वर्ड्स कुछ आपके पास रोज़ के 15-20 वर्ड्स जो हैं आपके तैयार हो जाए। सो कॉपीज में लिख लीजिएगा, रिविजन करते रहिएगा, एंड दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच।